सो गाइस आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीवो के V23 Pro डिवाइस के अंदर आप जो है कॉल फॉरवर्डिंग का एक्सेस कैसे करेंगे। अगर आपको भी अपनी कोई भी कॉल वगैरह किसी पर्टिकुलर नंबर पे फॉरवर्ड करनी है तो आसानी से आप कर सकते हैं। तो चलो अभी हम डेमो करते हैं और आपको दिखाते हैं कॉल फॉरवर्डिंग का एक्सेस कैसे करना है हमें अपने डिवाइस के अंदर। सो गाइस फोन में कॉल फॉरवर्डिंग यूज करने के लिए सबसे पहले तो हमें डायलर को ओपन करना होगा। हालांकि हम दो डायलर का एक्सेस कर रहे हैं इस समय। पहला डायलर है जो है गूगल का डायलर एंड बहुत लोगों ने उसको रिप्लेस करके वीवो का डायलर भी कर लिया है। तो अगर आप वीवो का डायलर एक्सेस कर रहे हैं तो उसमें भी कर सकते हैं एंड गूगल डायलर के अंदर भी आप आसानी से कर सकते हैं। जिसके लिए सबसे पहले तो हमें डायलर को ओपन करना होगा। ये हमारा गूगल का डायलर है, इसको मैंने ओपन करा। थ्री डॉट पे क्लिक करना है, सेटिंग्स पर जाना है। एक सेटिंग्स मिलेगी कॉलिंग अकाउंट, इसको प्रेस करेंगे एंड सिम वन सिम टू दोनों का ऑप्शन आ जाएगा। सिम वन पे अगर करना है तो सिम वन पे प्रेस कर दीजिए। हालांकि हमने ऑलरेडी कॉल फॉरवर्डिंग लगा के रखी हुई है, देख सकते हैं। एंड यहाँ कॉल फॉरवर्डिंग का ऑप्शन आपको अवेलेबल हो जाएगा, इसको प्रेस करेंगे। यहाँ पर आने के बाद बस थोड़ा सा वेट करना है, ये सारे ऑप्शंस ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएंगे और मैं आपको बताता हूँ कैसे आप जो है कोई नंबर एंटर करेंगे जिसपे कॉल को फॉरवर्ड करना है। सो यहाँ बस थोड़ा सा वेट करेंगे, इसके बाद सारे ऑप्शंस ओपन हो चुके हैं। यहाँ पर जो पहला ऑप्शन मिलता है इसको अगर हम यहाँ पर एंटर कर देते हैं कोई नंबर वगैरह, जैसे कि मैंने इसको एक नंबर एंटर करा हुआ है, तो इस नंबर पे हमारी सारी कॉल जो है जाएगी, चाहे हमारा नंबर फ्लाइट मोड में हो, अनरीचेबल हो, अनआंसर्ड हो, उस कंडीशन में भी हमारी जो कॉल है फॉरवर्ड होगी दूसरे नंबर पे जो हम यहाँ पर एंटर करेंगे। फिलहाल अगर यहाँ पर नीचे देखेंगे सेकंड नंबर पे वन बिजी का एक ऑप्शन है। अगर आप किसी दूसरे कॉल पे व्यस्त हैं, लाइक बिजी हैं किसी कारण बस किसी से कॉल पे बात कर रहे हैं, तो ये भी ऑटोमेटिक को कॉल फॉरवर्डिंग दूसरे नंबर पे कर देगा। तो इस तरीके से आप जिस भी कंडीशंस में आपको फॉरवर्ड करनी है कॉल, आप उस कंडीशन को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। जैसे अनरीचेबल है, यहाँ पर आइए, आप यहाँ पर अपने कॉन्टेक्ट से भी नंबर्स को सेलेक्ट कर सकते हो कॉल फॉरवर्डिंग के लिए, या फिर आप यहाँ पर नंबर को एंटर करेंगे, जैसे एज एग्जाम्पल कुछ भी टाइप करके यहाँ पर टर्न ऑन पे क्लिक कर देंगे, तो ये सेटिंग्स आसानी से ऑन हो जाएगी कॉल फॉरवर्डिंग वाली। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप आसानी से ऐसे कर सकते हैं। एंड गाइस यहाँ पर एक और चीज होती है कि आप जो है वीवो डायलर के अंदर कैसे करेंगे। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आपको डायलर यहाँ पर हटाता हूँ इसको, जो क्योंकि मैंने गूगल डायलर एक्सेस कर रहा हूँ। तो डायलर को हटाने के लिए बस यहाँ पर आइए, ऑन करिए, ओके प्रेस करेंगे, सेट नाउ पे क्लिक करके सेकेंड डायलर को हम प्रेस कर देंगे तो हमारे पास दूसरा डायलर हो जाएगा, वीवो का ओल्ड डायलर। उसके करने के लिए आपको डायलर को ओपन करिए, थ्री डॉट पे क्लिक करना है, कॉल सेटिंग्स पर जाना है, कॉल फॉरवर्डिंग पर जाना है और यहां पर आके सेम प्रोसीजर से आप कॉल फॉरवर्डिंग को ऑन कर सकते हो। और गाइज मैंने आपको बताया नहीं कि ऑफ करने का तरीका क्या है। अगर आपने कॉल फॉरवर्डिंग ऑफ ऑन कर दिया है तो यहां पर जैसे कि आपने जिस कंडीशन में ऑन करके रखा होगा उसके नीचे नंबर आपको दिख रहा होगा कि आपने इस नंबर पे कॉल फॉरवर्डिंग लगाई हुई है, बस उसको एक बार प्रेस करेंगे। जिस तरह से यहाँ टर्न ऑन कैंसिल का ऑप्शन आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में आपको टर्न ऑफ का भी ऑप्शन आएगा, सिंपल उस पर प्रेस करेंगे तो आपका आसानी से जो कॉल फॉरवर्डिंग है वो बंद भी हो जाएगी। सो गाइज उम्मीद करते हैं समझे होंगे कॉल फॉरवर्डिंग का एक्सेस कैसे करना हमें अपने फोन के अंदर। एंड फिर भी कोई कंफ्यूजिंग होती है इसके रिगार्डिंग कमेंट सेक्शन नीचे है, आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं।